So let's go lang. जल्दी चलो भाई, बड़ी मुश्किल से ऑन हुई है। जल्दी से पेट्रोल पंप पे रुकेगी अब सीधा विदाउट इंडिकेटर। वाह यार, कैसे हो? 490 नॉर्मल। सुबह सुबह इतना सब कुछ हो गया तो मैं भूल गया था तुमसे पूछना, तो क्या हाल है भाइयों के? फिर वेलकम बैक टू द चैनल, आई होप यू आर डूइंग वेल। और आपने देखा होगा कि मेरे साथ कैसा इंसिडेंट हुआ है, तो इसके जो इंडिकेशन है उस पर रिलायबल मत रहना कभी भी, और अपना जो पेट्रोल है वो अपने दिमाग से डलवा के चलना, नहीं तो बाद में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। आई हैव टू विजिट ATM ऑल्सो। भाई साहब यार, सवेरे सवेरे इतने ज़्यादा काम। निकल जा भाई, है पैसे अकाउंट में? ऑलवेज यूज फ्री को सैनिटाइजर भाई। तो यार आज की वीडियो में आई एम गोइंग टू टेस्ट द एक्सेलरेशन कि कितने सेकंड्स में ये 100 क्रॉस कर रही है आफ्टर लिक्विड मॉली के सर्विस के बाद। एक्चुअली मैंने पहले भी ये ट्राई करा है, मतलब 0 to 100 बिफोर सर्विस फ्रॉम लिक्विड मॉली, तो एक कंपैरिजन हो जाएगा कि लिक्विड मॉली सच्ची में इफ़ेक्टिव है एक्सेलरेशन में कि नहीं है। आ जाओ मेरे सामने, आ जाओ, वेरी गुड। अभी हॉर्न मैं दे रहा हूँ, अभी थोड़ा सा मतलब स्पीड में होता है, मैं तो भाई साहब तोड़ गए थे। ओके सो गाइस, ये जो अभी तुम क्लिप देख रहे हो ये सर्विस के पहले की क्लिप है, और आपको विश्वास दिलाने के लिए लेट मी शो यू द किलोमीटर्स। तो किलोमीटर्स देख लेते कितने हुए अभी। अरे भाई साहब, हो जा भाई, देख सकते हो आप 19,055। 55 को हिंदी में शायद पता नहीं क्या बोलते हैं, बट जितना भी है 19,000 किलोमीटर्स है फिलहाल। सर्विस अभी तक मैंने करवाई नहीं है। देखो सीन कुछ ऐसा है कि ना मेरे को लिक्विड मॉली स्पॉन्सर कर रहा है, ना मेरे को यामाहा स्पॉन्सर कर रहा है, तो मैं किसी की साइड नहीं लूँगा, एकदम ट्रू रिव्यू दूंगा। एक बार बस ये व्हीकल्स खाली हो जाएं फिर हम चलेंगे। तो लेट्स गो यार। हो गया सो, आराम से हो गया सो। अभी मेरे को कोई आइडिया नहीं है कि कितने सेकंड्स में इसने 100 क्रॉस करा है। वो वीडियो एडिट करते टाइम साइड में टाइमर वगैरह लगा के दिखेगा। और बार टेस्ट करेंगे इसको, मतलब पहली बारी कोई गलती वगैरह होगी हो तो दूसरी बार सुधरने का मौका मिल जाएगा। ये भी देखेंगे दूसरी बारी, पहली बारी और दूसरी बारी में डिफरेंस आता है कि नहीं आता है। यहाँ पर हिमाचल में सिर्फ यही दिक्कत है भाई कि आपको ना सीधे रोड्स नहीं मिलेंगे। सीधे रोड्स मिल भी जाएंगे तो भाई ट्रैफिक तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है अदर सिटीज़ के कंपैरिजन में। वहाँ पे तो हाईवे होते भाई सीधे सीधे। तो अभी दूसरा स्ट्रेच करेंगे, पहले इसको रोक लेता हूँ। सेकंड स्ट्रेच है अभी, तो देखते कितना पेलती है अभी। बस भाई यही दिक्कत है यहाँ पे, ऐसे कर्व आ जाता है ना एकदम से, मतलब वो नहीं था क्या बोलते उसको, मेरे को आइडिया नहीं था कैसे कर्व आ जाएगा एकदम से। भाई मेरी तो फटके चार। ये तो शुक्र है कि थोड़ी ब्रेकिंग बढ़ी है इसकी, वरना मैं निकल जाता भाई अगली कोई सीधा।
भाई अकॉर्डिंग टू मी ना दिस कैन बी अ परफेक्ट स्ट्रेच बिकॉज आगे तक मेरे को दिख रहा है कि 200-300 मीटर तक सीधा है। इधर ट्राई कर लेते हैं। हो गया सो हो गया और टाइम पे सो हो गया बिकॉज मोड आ गया था। ये छोड़, ये क्या है? तो लड़का लड़की है क्या? ये नेल पॉलिश लड़के लगाते हैं? बताने वाले खुश है। Let me show you the kilometers. अभी देख लो, तुम देख सकते हो कि 21,000 किलोमीटर और दूसरी वाली क्लिप में मतलब कम ही थे, मेरे को याद नहीं कितने थे बट यहाँ कम थे। तो एक तुम देख सकते हो कि मैं धोखाधड़ी नहीं कर रहा हूँ, फ्रॉड नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल सच बता रहा हूँ। ऑल्सो let me tell you कि मेरे को लिक्विड मोली के सर्विस कराए हुए 1 month हो चुका है। सो अराउंड मैंने 2000 किलोमीटर चलाई है इस ड्यूरेशन के बीच में। तो एक अच्छा आपको एक रिव्यू मिल सकता है देखने को कि लिक्विड मोली कैसा प्रोवाइड करता है पावर को आफ्टर 1 month। बिकॉज सिंपल सी बात है, जब भी हम सर्विस कराएंगे तब तो नॉर्मल सी बात है कुछ ना कुछ तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा बट आफ्टर यूज़ ऑफ 1 month, आफ्टर यूजेज ऑफ 1 month पता लगता है कि रियल है, मतलब वर्थ है कि नहीं है। ओके सो दिस इज़ द सेम ट्रैक जहाँ पे मैंने पहले भी एक्सेलरेशन टेस्ट करा है, आप देख सकते हो उस वाली क्लिप में भी। सो हो गया गाइस। राम प्यारी तो इतनी तेज क्यों चलती है यार? एक बार और करेंगे जब रोड कोई मिलेगा सीधे वाला, बिकॉज राइट नाउ तो छोटी छोटी सी गलियां हैं रोड्स पे जहां से निकलना पड़ेगा लाइक ये वाली। फॉर्चुनेटली खाली मिल गया है। देखो कहां से करने टेस्ट भाई, इन्होंने इधर ही आ जाना। हो गया। अभी जो फाइनल आउटपुट है, मतलब जो रिजल्ट है, वो तो मेरे को भी नहीं पता है अभी, तो घर जाके पता लगेगा वो। बाकी अगर पर्सनली मेरे से पूछा जाए तो आई डोंट फील एनी चेंज इन पावर एंड ऑल, बट हो सकता है कि मेरे को अभी आदत है मेरी बाइक की तो कोई डिफरेंस नहीं पता लग रहा होगा, बट आई डोंट नो द मेन रीज़न। बट या बाकी देखते क्या रिजल्ट निकलता है। थोड़ी जगह दे दे मुझे, मैं छोटी गली से निकल जाऊंगा, ट्रैफिक में मुझे को तो नहीं फंसना है। सारी राइमिंग खराब कर दी गाने की भाई। तो इस कॉर्नर के साथ, प्यारे प्यारे कॉर्नर के साथ वीडियो करते हैं एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो भाई पसंद आई तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। और अभी तक रिजल्ट का तो मेरे को भी नहीं पता बिकॉज वीडियो बनाते टाइम पता नहीं लगता है, बट एडिटिंग के टाइम पता लगेगा रिजल्ट का। तो आई एम ऑल्सो एक्साइटेड टू नो द रिजल्ट। भाई साहब भीड़ देखो यहाँ पे, यह बगलामुखी टेम्पल के अंदर जाने के लिए क्रेज़ देख रहे हो तुम मंदिर का, मतलब कितना ज़्यादा क्रेज़ है कि सड़क तक लाइन लगी है।